डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि साउंड वेव्स के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको साउंड के बारे में बताता हूँ। साउंड से पहले एक टॉपिक है हमारे पास, ऑप्टिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स, इसे कहते हैं, सॉरी, द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स के बारे में। ये आवाज़ के मुतालिक जो इलम है उसको हम एकॉस्टिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है साउंड, डिफाइन साउंड साइंड इन्फॉर्मेशन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है पेज 20 पर। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। इस तरह फिर है कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड की प्रोडक्शन के लिए एक तो हमें बॉडी का वाइब्रेटिंग होना ज़रूरी है, दूसरा इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मीडियम का होना भी ज़रूरी होता है साउंड की प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ, इसमें आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है। ह्यूमन हार्ट बीट एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड। उसके बाद फिर साइड पर एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस वेयर एयर फील्ड हॉलो ट्यूब्स टू द लिसनर ईयर्स। द चेस्ट पीस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक डिस्क कॉल्ड डायफ्रेम। इफ़ द डायफ्राम प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स बॉडी साउंड वाइब्रेट द डायफ्राम क्रिएटिंग एकॉस्टिक प्रेशर वेव्स विच आफ्टर मल्टीपल क्लेरिफिकेशन ट्रेवल अप द ट्यूब टू द डॉक्टर्स ईयर। तो ये अगर सवाल आ जाए व्हाट इज यू नो अबाउट स्टेथोस्कोप, तो ये साइड इन्फॉर्मेशन है, आप इसका आंसर ले दें। इस स्क्यूल लेबोरेटरी के अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम ट्यूनिंग 4 का नाम देते हैं, जो कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर टॉपिक आ जाए तो उसमें हम लिख सकते हैं ट्यूनिंग 4 क्या होता है। इसकी दो जो है प्रोंग्स होते हैं और एक स्टम होती है। तो ये हमारे पास इसकी स्टम है, ये दो प्रोंग्स हैं इसके। इन स्कूल लेबोरेटरीज अगर सवाल आ जाए व्हाट डू यू नो अबाउट ट्यूनिंग 4, इन स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज अ ट्यूनिंग 4। तो ट्यूनिंग 4 यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर साउंड, या आप इसमें ये सकते हैं ट्यूनिंग 4 है टू प्रोंग्स एंड वन स्टम। और तो ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं इस ट्यूनिंग 4 को जब रबर पैड पर मारते हैं, रबर पैड पर मारने के बाद ट्यूनिंग 4 को जब अपने कान के करीब ले आते हैं तो एक ख़ास किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे हम इसको सुन सकते हैं आसानी से। फिर इसके बाद हमारे पास ये वो स्ट्राइक द ट्यूनिंग 4 का गॉन्स रबर हैमर द ट्यूनिंग 4 विल बिगेन टू वाइब्रेट। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाई ट्यूनिंग 4 बाई ब्रिंगिंग इट नेवर आवर ईयर। वी कैन ऑल्सो फील द वाइब्रेशन बाई स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग 4 विद अ प्लास्टिक बार सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। Touch the ball gently from the prongs of the tuning, vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball, produces vibration. Now we dip the vibrating tuning fork into glass of water. अगर हम ट्यूनिंग 4 को पानी से भरे ग्लास में ले जाएं तो वो पानी की छींटे कुछ उड़ती हुई नजर आएंगी। वो किस वजह से नजर आती हैं कि ट्यूनिंग 4 के जो प्रोंग होते हैं जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से वो स्प्लैशेज पैदा होते हैं जिन्हें हम पानी की छींटे कहते हैं। तो एक सवाल आ जाता है व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश। तो आंसर आएगा द वाटर स्प्लैश produced due to vibration of tuning fork. From this activity we can conclude that sound is produced by vibrating body. इसका मतलब ये हुआ कि sound की production के लिए body का vibrate होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सवाल आ जाता है sound requires material medium for its propagation. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक bell jar लेते हैं, उसमें एक bell को wires के ज़रिए suspend करते हैं और साथ ही एक बैटरी अटैच कर देते हैं। उस बेल जार के अंदर एयर जो है मौजूद होती है। हम पीछे से जब उसको कनेक्शन देते हैं तो घंटी बजना शुरू हो जाती है, तो उसकी आवाज़ जो है हमें बाहर खड़े हुए आसानी से सुनाई देती है। जैसे जैसे हम वैक्यूम पंप के ज़रिए आवाज़ को निकालते जाते हैं एक स्टेज ऐसे आती है कि आवाज़ जो है हमें बाहर खड़े हुए आसानी से सुनाई नहीं देती। उसकी वजह क्या है कि वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर जो है हमने सारी निकाल ली होती है। जैसे ही हम लोग एयर को दोबारा उसमें एंटर करते हैं तो ऐसा ऐसा जब एयर अंदर जाती जाएगी आवाज़ जो होगी हमें सुनाई देगी। उसकी वजह क्या है कि एयर को प्रोडक्शन के साउंड को सॉरी प्रोडक्शन के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वो मीडियम एयर होता है। तो ये अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन साउंड रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, तो आप यहाँ से इसको नोट करेंगे कि साउंड वेव रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। दिस कैन बी प्रोड बाई बेल जार ऑपरेटर्स। द बेल जार इज प्रोड्यूस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वैक्यूम पंप एंड इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। बाई स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग। वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल।
Now start pumping out air from the jar by means of vacuum pump. The sound of the bell starts becoming more and more feeble and eventually dies out. Okay, वो कमज़ोर होती जाएगी या ऐसा ऐसा बारी कम ख़त्म होती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आवाज़ बिल्कुल हमें सुनाई नहीं देगी. When we put the air back into the air, we can hear the sound of the bell again. From this activity, we conclude that sound waves can only travel propagate in the presence of air to another medium. उसके बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुआ है. इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. यहाँ पर हम एक ट्यूनिंग फोर लेते हैं. ट्यूनिंग फोर को जब हम लोग नॉर्मल पोजिशन में ट्यूनिंग फोर होता है तो हम लोग इस प्रोंग को मीन पोजिशन का नाम देते हैं, एक एक्सट्रीम पोजिशन ए का नाम देते हैं, एक बी का नाम. यहाँ पर एयर के पार्टिकल जो है वो नॉर्मल पोजिशन में है. जब हम ट्यूनिंग फोर को वाइब्रेट करते हैं तो इसका राइट प्रोंग जो होता है वो मूव करेगा. जब मूव करेगा तो मीन से ये एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो हवा की लेयर पर ये प्रेशर बढ़ाता है. जब प्रेशर बढ़ाएगा तो एक लेयर अपना प्रेशर अगली लेयर को मुंतकिल करेगी तो जैसे लेयर इस तरह मुंतकिल करती है तो वह पार्टिकल एयर के करीब करीब आ जाएंगे, जिनको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं. जब ये प्रोंग ओ से मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन बी की तरफ मूव करता है, आफ्टर अ मोमेंट कुछ देर के बाद जब ये प्रोंग बी से मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाएगा तो ये पार्टिकल पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पर रेयरफैक्शन पैदा होता है. इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो इसका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, पेज 21 पर आप इसको देख लेंगे. प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर कैन बी अंडरस्टूड एज शोन इन फिगर. बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म. व्हेन द राइट प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोर मूव्स फ्रॉम मीन पोजिशन ओ टू बी इट एग्जर्ट्स सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मालिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन. नेक्स्ट हमारे पास है दिस मूवमेंट कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेज द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन. अ मूवमेंट लेटर द प्रोंग बिगेन टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए. नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीजेज एंड अ रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस. दिस रेयरफैक्शन इज ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन एज द ट्यूनिंग फोर मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली. अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर क्रिएटेड इन द एयर. इन दिस वे साउंड वेव प्रोपगेट्स थ्रू द एयर. इस तरह फिर हम ये भी बता सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को हम वेवलेंथ का नाम भी देते हैं. फिर हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. और इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो एक तो है हमारे पास लाउडनेस. लाउडनेस के फिर आगे मजीद फैक्टर्स हैं, वो तीन फैक्टर्स हैं. एक एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी. तो लाउडनेस में क्या है, जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हों तो उनकी आवाज़ स्लो होती है, लेकिन जब आप किसी गैदरिंग से बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ जो होती है वो ऊंची होती है. तो यहाँ पर इसके तीन फैक्टर जो हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ. पहला एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. जब भी किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो बॉडी जो होगी वो उसकी लाउडनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं हम. एक हमारे पास ड्रम है. जब ड्रम का साइज बड़ा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, उसको आप स्ट्राइक करेंगे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी. इस तरह एक स्मॉल ड्रम है, उसकी जब आप स्ट्राइक करेंगे तो उसकी मेम्ब्रेन का साइज़ कम है, उसका एरिया भी कम है, तो आवाज़ कम पैदा होगी. तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरी डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. द साउंड प्रोड्यूस बाय अ स्टार विल बी लाउड इफ वी प्लग इट्स वायर मूव वायलेंटली. सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड वी हेयर अ लाउड साउंड. नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. कि एरिया के बढ़ने की वजह से लाउडनेस भी ज़्यादा होती है. स्कूल के अंदर जो बेल लगी होती है उसका एरिया ज़्यादा होता है तो आवाज़ जो होगी वो दूर तक सुनाई देती है. इस तरह घर में जो बेल लगी होती है उसका एरिया कम होता है तो उसकी आवाज़ जो होगी वो सिर्फ घर के अंदर ही सुनाई देती है. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी. कि जब आप डिस्टेंस बॉडी के जहाँ पर बॉडी की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसके करीब खड़े हैं तो आवाज़ ज़्यादा, अगर दूर होंगे तो उसका डिस्टेंस दूर होने की वजह से आवाज़ भी जो होगी कम सुनाई देगी. उसके बाद आ जाता है पिच. क्या होता है पिच? इज द क्रिएटिव साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रील एंड अ ग्रेव साउंड. पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी पिच भी ज़्यादा होगी तो आवाज़ क्या होगी वो हमारे पास श्रील होगी, और अगर पिच भी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी तो आवाज़ क्या होगी ग्रेव होगी. इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है क्वालिटी.
द करेक्टरिस्टिक साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वांटिटी। अब तक मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन दो पढ़ाए हैं, एक तो मैंने इसमें बताया आपको लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स के बारे में और दूसरा करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।